बस वो मोटर ना खुल जाए जो हमने चिपकाई थी। ओ तेरी तो, वाओ माय गॉड गाइस इट वर्क्स। तो गाइस यार ये है एक नॉर्मल सा सिंपल सा पेपर एयरप्लेन, और ये जो पेपर एयरप्लेन है काफी कमाल के तरीके से उड़ता है देखो। लेकिन गाइस यार ये अब अपने टाइटेनियम आर्मी के लेवल का बिल्कुल भी नहीं रहा, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही अपनी फैमिली 12 मिलियन की हो जाएगी वैसे ही हम लोग प्लेन्स और ड्रोन्स के ऊपर भी वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे। तो गाइस यार आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास है यही सेम मॉडल लेकिन टाइटेनियम आर्मी। सच में बहुत बड़ा है यार, जरा इसे देखो और अब इसे देखो। और इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि इसे हमने रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होने वाला बनाने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मोटर लगा रखी है, साथ ही साथ ये रिमोट से कंट्रोल होगा। गाइस देखो इसके अंदर हमने दो पावरफुल मोटर्स लगा रखी है, देखो। और गाइस इसका हमने जो फ्लाइट टेस्ट है वो अभी तक नहीं लिया है। गाइस इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, आप देख सकते हैं कि हमने इसे बिल्कुल वैसा ही बनाने की कोशिश की है जैसा कि हमारा नॉर्मल पेपर एयरप्लेन होता है। तो गाइस यार सच में इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि इसे इसको हमें जितना हो सके उतना हल्का बनाना था, साथ ही साथ ये रिमोट कंट्रोल्ड है तो इसके अंदर बैटरी भी है, मोटर्स भी है। और गाइस अभी तक तो सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही है, देखो विंग्स वगैरह सभी अच्छे से काम कर रहे हैं, मोटर्स वगैरह सारी चीज़ें देखो देखो सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही है। हमारी जो मोटर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट भी क्रिएट कर रही है। लेकिन असली टेस्ट तो उड़ाने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइस चलो इस कमाल की चीज़ को लेके चलते हैं किसी ऊंचाई वाली जगह पे और वहाँ पे इसे उड़ा के देखते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारी जो चीज़ है वो वर्क करती है या फिर नहीं। गाइस वो जो अभी हमने छोटा प्लेन उड़ाया वो काफ़ी छोटा था, हवा में आसानी से ग्लाइड कर जाता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है और साथ ही साथ उसके मुकाबले इसमें काफ़ी ज़्यादा वजन है। तो बस दुआ ये करना कि उड़ जाए यार, गाइस बहुत मेहनत लगी है इस चीज़ के अंदर। तो चलो चलते हैं किसी ऐसी जगह से जगह पर जहां से हम इसे टेक ऑफ कर सके। आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। ऑलराइट गाइस अभी चल रहे हैं अपन हवाई जहाज को लेके, कोई हवा में आराम से ना टूट ना जाए। गाइस पहले इसका फ्लाइट टेस्ट लेंगे, अगर ये अच्छे से उड़ गई तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसे हमने कैसे बनाया, इसके अंदर किन किन चीजों का हमने इस्तेमाल किया। पहले चलते हैं मस्त वाली जगह पे। अरे ऐसा ना, अभी उड़ जाओ आप लोग, धीरे चलते धीरे। ये हमारी जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार। हाँ रेस्पॉन्स आया, तेरी लैंग्वेज समझता है वो। हाँ तेरी लैंग्वेज समझता हो, तूने क्या बोला उसे? वाव 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 वाव। अरे नहीं बोला क्या, हिंदी में बोल। कैसा है तू, क्या कर रहा है डोली पे? कौन सी राजनीति खेल रहा है? उससे पूछता है ना कौन किसको वोट देगा। पता नहीं किसको, ये तो पूछा नहीं मैंने अभी, अगली बार आएंगे तब पूछेंगे। लोटे में देगा, माचे में? लोटे में नहीं, हड्डी में देगा, हड्डी में। ये कहाँ जा रहे हैं अपन?
गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं लैंड वो टेक ऑफ साइट पे। काफी गाइस हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है, देख लो, देख सकते हैं आप, देखो हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है और ये हवा आई थिंक हमारे प्लेन को दिक्कत दे सकती है, ये प्लेन को पलटी गिला सकती है। तो पर देखो देखो आराम से बड़ी मेहनत की है। अरे पकड़ यार। तो गाइस यार हमने हमारी फ्लाइट का ग्लाइड टेस्ट लिया था अंदर जहाँ पे हवा नहीं थी, तो वहाँ पे ये ग्लाइडिंग तो अच्छे से कर रही थी, काफी अच्छे से ग्लाइड कर रही थी। अब देखते हैं कि रियल के अंदर इतनी ऊपर से उड़ाने पर ये किस तरीके से उड़ती है। यहाँ पे हवा काफी ज्यादा तेज चल रही है यार, जो कि काफी दिक्कत दे सकती है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा प्लान था कि हम उधर की साइड से उड़ाएंगे, लेकिन हवा की दिशा ये है तो आई थिंक ये वाला जो रूट है ये सही रहेगा, है ना। तो अपन इधर से उधर उड़ाएंगे, लेकिन इधर काफी सारे पेड़ है यार, अपने फ्लाइट टूट सकती है। चलो देखते हैं, इसके अंदर बैटरी नहीं लगानी पड़ेगी जो कि मेरे पास यहाँ पर है, और अगर ये फ्लाइट उड़ जाती है तब मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसे कैसे बनाया, किन किन मोटर्स का इस्तेमाल किया, बैटरी कौन सी ली, बाकी सारी चीजें। और नहीं उड़ी तो फिर दूसरी बनाएंगे। नेवर गिव अप। राइट गाइस, तो बैटरी चेंज कर लेते हैं। बैटरी चेंज करना जरूरी है, फुल पावर की बैटरी लगानी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर हमने जो मोटर्स लगाई है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो पुरानी बैटरी से काम नहीं चलेगा। बैटरी को चेंज कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, ये हमने बैटरी लगा दी है। रिमोट लेके आओ ताकि सारी चीज़ें एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। रिमोट दो इसका, इसे हाथ में पकड़ो, हाथ में पकड़ते हैं और बाकी सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं एक बारी, सारी चीज़ अच्छे से वर्क कर रही है या फिर नहीं। ऑलराइट, ठीक है, एलिवेटर चेक करते हैं। रुको, छोड़ो, हाथ हटाओ। राइट, मोटर्स बोल रहे हैं। राइट गाइस, सारी चीजें सही है, अब इसे उड़ाते हैं। हाँ तैयार हो, उड़ाए गाइस, दिल धक धक कर रहा है भाई, ठीक है, जाओ रेडी। हाँ मोटर्स, हाँ हाँ देखो, हाँ पे गाइस तो फ्लाइट हुई थी गाइस, हमारा प्लेन उड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब उसकी वजह से, हवा की वजह से वो नीचे लैंड हो गया। बस यार गाइस फटा ना हो, अरे देखो निकालो उसको वापस। काम कर रहा था यार, सारी चीजें अच्छे से काम करी थी इसने, अब लिफ्ट भी ली थी। शिट मैन, दिखाना ये वाला विंग गया है ना, वो तो जाएगा यार। तो गाइस यार, पहले ट्राई के अंदर हमारी ये जो प्लेन थी ये क्रैश हो गई थी गाइस, इसे हमने बहुत ज्यादा परफेक्टली तरीके से और बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया था, तो ये क्रैश हो गई। मैं कोशिश कर रहा हूँ यार कि यहीं पे इसे रिपेयर कर लूँ, कुछ कमी है, एक मोटर टूट गई, साथ साथ एक जो सर्वो थी वो भी उखड़ गई क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से उस बबूल के पेड़ के अंदर ये क्रैश हुई थी। तो थोड़ा सा ऑपरेशन चल रहा है अभी हमारे हवाई जहाज का, मैं अभी थोड़ा सा लग जाता हूँ और फिर से ट्राई करते हैं इसे, ठीक है गाइस। दुआ करना यार इस बार ये उड़ जाए, और उड़ जाए ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो का लाइक मैं रखता हूँ 500,000 likes गाइस, यार बहुत मेहनत की इसके पीछे, बहुत ज्यादा। उड़ जाइए यार भाई, एक एक इंच का नाप लेके वो नहीं है इसे, एक एक इंच का। चलो मैं इसका थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेता हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो हमने हमारी एयरप्लेन को रिपेयर कर दिया है, दुआ करना गाइस की इस बार ये उड़ जाए। मैं सारी चेकिंग कर लेता हूँ, सर्वोज वगैरह, मोटर्स वगैरह, और फिर इसे उड़ाते हैं। एक दो तीन।
time. You could be mine before all that you put me through. I knew that you were trouble, but I let that you open. I'm living in this bubble and it makes you so mad. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. You can watch me go, cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. You can say hello, but I don't need you to like me. अरे कितना ऊंचा गया ओ तेरी. ऑल राइट गाइस, आप देख सकते हैं, अभी देखो यार, सक्सेस. हमारी जो एयरप्लेन है वो उड़ी काफी कमाल के तरीके से. वहां पे जाने के बाद मैं भी वो जो हमने उसके अंदर रिपेयरिंग की थी, मैं भी उसमें से एक मोटर टूट गई फिर से, और इस वजह से हमारी जो प्लेन है वो नीचे आ गई. लेकिन इसने बहुत कमाल के तरीके से उड़ान भरी. मजा आ गया भाई. फाइनली गाइस यार, इतनी बड़ी हवाई जहाज को हमने हवा में उड़ाया, वो भी इतने कमाल के तरीके से. आ जाओ आप आराम से जाओ, पैक करके हम चल रहे हैं. ऑलराइट गाइस, तो यार हमारी प्लेन भी अभी तक बिल्कुल सही सलामत है गाइस. अरे दीदी आराम से गाइस, 10 दिनों की मेहनत थी यार इतने भारी प्लेन को उड़ाना, वो भी रिमोट कंट्रोल से. इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था. पहले पार्ट के अंदर आपने देखा कि ये क्रैश हो गई थी बम्बुल के अंदर. मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था यार कि ये वाले वजह जुड़ पाएगी, लेकिन मैंने सोचा ऊपर वाले का नाम लिया, मैंने कहा एक बार ट्राई करते. फिर से हमने इसे रिपेयर किया और इस बार जो हमारी फ्लाइट उड़ी भाई मज़ा आ गया. भाई फाइनली वो हमारी फ्लाइट को लेके आ रहे हैं. आप देख सकते हैं कि हमारी एयरप्लेन मस्त उड़ी ना. हाँ मजा आ गया गाइस यार, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये काम कर जाएगा. हमारी फ्लाइट वहाँ से बिल्कुल स्मूथ तरीके से, जैसे मैं इधर कर रहा था कंट्रोल, वैसे जैसे मैं चाहूँ वैसे इसे उड़ा रहा था. तो गाइस जैसा कि मैंने वादा किया था कि अगर ये फ्लाइट उड़ती है तो मैं आपको बताऊँगा कि हमने इसे कैसे बनाया. ठीक है, ले आओ. और उड़ गई भाई, बहुत मेहनत है इसके पीछे यार. न जाने कितनी हवाई जहाज़ें बनाई हमने, न जाने कितने ज़्यादा डिज़ाइन चेंज किए, न जाने क्या क्या किया हल्का बनाने के लिए, जी जान लगा दी इसके अंदर. और फाइनली एक बार क्रैश होने के बाद हमारी हवाई जहाज़ उड़ गई. मज़ा आ गया. तो भाई साहब मैं आपको बताऊँ, देखो इसके लिए हमने फ्लाई स्काई का जो कंट्रोलर है वो यूज़ में लिया है. इसके साथ में एक रिसीवर आता है, तो दो चीज़ें तो ये हो गई, फ्लाइट कंट्रोलर और एक रिसीवर. फिर इसके अंदर हमने 1000 kV की ब्रशलेस मोटर्स का इस्तेमाल किया है, और इसके अंदर जो पंखुड़ियाँ हैं इनका साइज है 10x45. अगर आप कभी ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहो तो इनका जो साइज है वो है 10x45. फ्लाई स्काई का ट्रांसमीटर और फ्लाई स्काई का FSI6 रिमोट कंट्रोलर हमने इस्तेमाल में लिया है. ये अच्छे रहते हैं, जो दूसरे रहते हैं उनका मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं. साथ ही साथ 30 एम्पियर की सिमोंग की ESC है 30A, और दोनों मोटर ब्रशलेस हैं. एक पंख इसके अंदर से क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, और ये थोड़ा सा मुड़ चुका है लेकिन कोई बात नहीं. और फिर इसके अंदर हमने ये जो चीज़ इस्तेमाल में ली है इसे कहते हैं सन पैक या फिर सन बोर्ड. ये प्रिंटिंग के काम में आती है, काफ़ी ज़्यादा हल्की रहती है, आप देख सकते हैं प्लास्टिक से बनी रहती है, और इतनी भयंकर क्रैश होने के बावजूद भी अभी भी ये सही सलामत है, बस यहाँ से फट गई थी. इसके बाद में इधर आ जाते हैं, तो इसके अंदर हमने जो बैटरी का इस्तेमाल किया है, बैटरी यहाँ पे है आप देख सकते हैं, ये
2200 mAh की बैटरी है, ली पॉलीमर बैटरी, और साथ ही साथ फिर तो बाकी सारी चीज़ें सिंपल है, हमें बस कनेक्शंस करने होते हैं। और दो सर्वो यहाँ पे लगी हुई है, एक सर्वो यहाँ पे है और एक सर्वो यहाँ पे है। अभी ये उखड़ चुकी है, इसका ग्लू जो है वो उखड़ गया। तो ये जो दोनों सर्वो है ये माइक्रो सर्वो है, प्लास्टिक सर्वोज हैं। और अब मैं बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कनेक्ट होगी। तो फिर हमने क्या किया, इन दोनों मोटर्स की दोनों ESC के तार काटे और दोनों को एक बना दिया, पावर भी दोनों को एक ही जगह से दी, इनके दोनों के तार जोड़ के इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव और नेगेटिव देख के। और उसके बाद में ये जो इसके साथ में पिन आती है 3 पिन, इसे भी हमने एक बनाया और फिर रिसीवर का जो चैनल नंबर 3 है उसके अंदर कनेक्ट किया, इन दोनों को एक ही चैनल के अंदर कनेक्ट किया, ठीक है गाइस। और फिर जो चैनल 1 और 2 है उसके अंदर हमने दोनों सर्वोस को कनेक्ट किया। उसके बाद में जब आप इन सब चीज़ों को ट्राई कर लोगे तो आप बाकी सारी चीज़ें आप खुद ही समझ जाओगे। और 1000 kV से ऊपर करना अच्छा नहीं रहता है, 1000 kV इनाफ रहती है। और 1045 के प्रोपेलर है, मज़ा आ गया, मैं बस कुछ नहीं कहूँगा, एक्साइटमेंट में चश्मा भी टूट गई मेरी कि भाई इसे उड़ाना बहुत भारी काम था। तो गाइस यार ये तो काफ़ी भारी प्रोजेक्ट है और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इसे अपन जनरली उतने अच्छे तरीके से नहीं उड़ा सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और हवा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। तो ये तो हो गई, ये तो बस हमने अपनी खुशी के लिए बनाई थी क्योंकि हमें इसे उड़ाना था भाई, हमें इसे उड़ाना था 12 मिलियन के आसपास में, तो फाइनली ये उड़ गई। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में, और ड्रोन्स वगैरह की वीडियोज़ भी जल्द आएगी, बस थोड़ा सा टाइम दो हमें, सारी चीज़ें जल्द आएगी। तो गाइस यार मज़ा आ गया यार।